हरिओम। आज मैं आपको बताऊंगा टीआरडी के बारे में, ठीक है। तो अपने रेलवे के अंदर जो सप्लाई आती है 25 केवी की सोची के अंदर, वो टीएसएस ट्रैक्शन सब स्टेशन से आती है। तो ट्रैक्शन सब स्टेशन में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 132 केवी की सप्लाई आती है ना, उसको हम 25 स्टेप डाउन करके 25 केवी में करके देते हैं। और टीएसएस जैसा कि आनंद में एक दिन मैंने आपको बताया था, वहाँ पे दो ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर स्टैंड बाई रहता है और एक ट्रांसफार्मर चालू रहता है, ठीक है। तो जो 25 केवी की हमने सप्लाई दी है इस ओची के अंदर, इस ओची में देख रहे हैं आप लोग दो वायर है, एक ऊपर है और एक नीचे। जो ऊपर है उसको अपन कैटनरी वायर बोलते हैं, नीचे जो आपको कॉन्टेक्ट वायर बोलते हैं उसको। कॉन्टेक्ट वायर क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि उसके ऊपर पेंटोग्राफ कॉन्टेक्ट में रहता है, ठीक है। और कैसे पेंटोग्राफ चलता है वो आपने देखा। उसके बाद ये देखो, ये ओची का मास्ट कहलाता है। आ जाओ इधर देख लो, हवा आ रही है। ये ओची का मास्ट है, इसको अभी तक आप लोग खंबा कहते थे, लेकिन आज से इसको क्या बोलेंगे, ओची मास्ट, ठीक है। और इस ओची के मास्ट के पास में ये लगा हुआ बॉन्ड कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, बॉन्ड। इसको रेल से कनेक्ट करके जोड़ा हुआ है, यानी कि इसमें कभी भी कोई भी करंट लीकेज हो जाए तो वो उसके द्वारा अर्थ हो जाएगा, ताकि इसके ऊपर कोई कर्मचारी नजदीक में काम कर रहे हैं तो उसको झटका ना लगे, इसके लिए लगा हुआ है। इस ओची के मास्ट पे ये कुछ लिखा हुआ आप लोग देख रहे हैं 5.75। इसका मतलब ये कि इस रेल लेवल से कॉन्टेक्ट वायर की ऊंचाई, जो नीचे वाला वायर है कॉन्टेक्ट वायर, उस रेल लेवल से, ये रेल लेवल है, ये देखो रेल लेवल, ये इसको रेल लेवल बोलते हैं, यहाँ से नापेंगे तो कॉन्टेक्ट वायर की ऊंचाई 5.75 मीटर है। नॉर्मल में ये 5.60 मीटर होती है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार थोड़ी आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे ब्रिज है तो ब्रिज में 5.60 से कम भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ कितनी है वो इस पे लिखा रहेगा, हर पोल पे लिखा रहेगा। उसके बाद में आप लोग देख रहे हैं ये लिखा हुआ 3.03, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस रेल के ट्रैक के सेंटर से, इसके सेंटर से इसकी दूरी मीटर में 3.3 मीटर है, ठीक है। सेंटर बोले तो सर गोविंद का पैर रखा, हाँ, ये दोनों रेल का सेंटर से उसकी दूरी नापते हैं 3.3 मीटर है, ठीक है। उसके बाद में ये लिखा हुआ आरएल, आरएल का मतलब रेल लेवल। तो रेल लेवल, जैसे ये रेल लेवल यहाँ अपन ने देखा, उसी प्रकार ये रेल लेवल यहाँ तक रहेगा, यहाँ पे रेल लेवल, ये दोनों का सेम, हाँ। तो अपन को कुछ मापना है, अगर रेल से नहीं नापे तो यहाँ से भी नाप सकते हैं, रेल लेवल है। तो ये चीजें लिखी रहती है। और वो चीज के खंभे पर वो लिखा रहता है, आपने टेलीफोन का तीर का निशान अपन ने देखा, वो भी रहता है, ठीक है। दूसरा इधर आओ, ये मास्ट के ऊपर देखो KRCA, KRC का मतलब है कर्चिया, और नीचे लिखा 1104। हमेशा जितने भी बड़े बड़े यार्ड हैं वहां पर मास्ट का नंबर 4 अंकों में रहता है, और जो मेन लाइन है वहां पे मास्ट के नंबर 3 या 2 अंकों में भी रहते हैं, एक अंक में भी रहता है, जैसे बॉम्बे से स्टार्ट हुए एक अंक में भी रहेगा, ठीक है ना। तो मास्ट नंबर हट गए, तो अपने सेक्शन में कहीं भी कोई भी गाड़ी में कोई खराबी हुई तो हम ये नंबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं किलोमीटर नंबर। क्या बोलेंगे, किलोमीटर नंबर, का भाई इतना से अपने इतने किलोमीटर नंबर पे मैं खड़ा हूँ और ये खराबी हुई है, तो किलोमीटर नंबर से TPC TLC वगैरह जो भी सहायता जैसा भी पहुँचाना है वो पहुँचा सकते हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर देखो, वो देखो सबको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैंटीलीवर। क्या बोलेंगे, कैंटीलीवर। उसके ऊपर सबसे पहले इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर क्यों लगाए गए तुम बताओ, देखें आशीष ये इंसुलेटर क्यों लगाए गए हैं? सर ताकि उसकी जो लाइव वायर है वो अर्थिंग से आइसोलेट रहेगा, हाँ, यानी कि इस मास्ट में सप्लाई नहीं आएगी, सप्लाई नहीं, ठीक है। कैंटीलीवर के ऊपर जो सीधी है उसको बोलते हैं स्टेट ट्यूब बोलते हैं उसको, ठीक है ना। इसके विभिन्न पार्ट्स हैं वो आपको और वहाँ क्लास में बताएंगे, TRD की क्लास में मॉडल रूम में ले जाके हाथ लगा के बताएंगे। और ये जो कॉन्टेक्ट वायर कैटनरी वायर के बीच में जो वायर लटक रहा है ना, उसको बोलते हैं ड्रॉपर वायर, ड्रॉपर वायर, ठीक है। उस ड्रॉपर वायर ने इन नीचे वाले कॉन्टेक्ट वायर को खींच के पकड़ा हुआ है, ये इसको सर, इसको, हाँ, ये नीचे ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं बीच में जो, हाँ हाँ, लंबे लंबे, ठीक है, दोनों टच हो रहा है जो लगता है, है जी, हाँ हाँ, जो टच हो रहा है वही दोनों में सप्लाई है ना, ठीक है। आ जाओ इधर, और आ गया सर, सप्लाई ऊपर वाले तार में आती है नीचे वाले दोनों में रहती है सप्लाई, दोनों में सप्लाई, दोनों तार में रहेगी 25 केवी की सप्लाई,
ठीक है। अब आप कभी कभी देखना ये ओची जो लगी हुई है, अगर सीधी तैर देखेंगे तो एक जगह टेढ़ी एक जगह इस प्रकार रहती है, इसको बोलते हैं झिक झिक, ताकि पेंटो एक जगह से नहीं खींचे, इसके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, ये अरेंजमेंट कैसे किया हमने, कैंटिलीवर को एक को उस उधर से पकड़ के खींच लिया, जो इधर से पकड़ के खींच लिया, इस प्रकार इसका अरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक है, आ जाओ आगे। अभी टीआरडी में कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी है आपको, तो वो दिख रहा है आपको अपने को सामने स्टॉप बोर्ड दिख रहा है ना आपको, स्टॉप बोर्ड जहाँ भी आता है वहाँ लिख रहा है इलेक्ट्रिक इंजन स्टॉप, तो वहाँ आपको इलेक्ट्रिक इंजन को स्टॉप कर देना है, यानी कि वहाँ से आगे ओची की तार वाली लाइन नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहेगा स्टॉप नॉन वाइड टर्न आउट, अनवाइड टर्न आउट, यानी कि तो वहाँ दो पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे तो तार होगा और दूसरे पॉइंट पे तार नहीं होगा। ठीक है ना, तो पॉइंट देख के अपन को गाड़ी चलाना है, अगर वायर्ड टर्नआउट के लिए पॉइंट बना हुआ तो लोगों को चलाएंगे, और ऐसा लेके अनवायर्ड का पॉइंट बना हुआ तो लोगों को रोक देंगे। ये ध्यान ओची में खास रखना है, अगर अनवायर्ड ओची में आप घुस गए आपको पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए देख के चलना हमेशा। ठीक है, पॉइंट देखना है, ओची के तार भी देखना है, हमारा लोग को नॉन अनवायर्ड में नहीं जा रहा है, वायर्ड में जाना चाहिए अपना। ठीक है, ये ध्यान रखने का, हाँ स्टॉप बोर्ड पे रोक देंगे अपना लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखो ना आगे तार नहीं है, तो अगर जाएंगे तो अपना पेंटो टूट जाएगा, ऊपर उठ जाएगा तो। ठीक है ना, और ये ओची के मास्ट है ना, ये स्टील के बने होते हैं, इनको जंग नहीं लगता। देख रहे हैं आप किसी मास्ट को जंग लगा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं सर। इसको तो लगेगा लेकिन मास्ट को नहीं लगेगा। इधर आ जाओ, स्टॉप बोर्ड देख लेते हैं। ये वाला स्टॉप बोर्ड लो, ये वाला आगे तार दिखेगा नहीं ऐसा। ये स्टॉप बोर्ड का लो स्टार डिफ्लेक्ट इंजन स्टॉप, कैमरा पीछे करो ना यार, सब लोग ये देखो अपने किधर चल रही है। ठीक है, यस सर, ये पब्लिक को दिखाओ, सब लोग सुन रहे हैं, ऐसा चल रही है, सबका देखो भी, सब लोग सुन रहे हैं इस बात को। ठीक है, आज आप लोगों को अच्छी तरह दिखा दिया है, अनवायर्ड में नहीं जाना है, अगर आप जाओगे आपको पनिशमेंट मिलेगा, ध्यान रखना, अनवायर्ड एरिया भी दिखा देने का। ठीक है, तो ओची के बारे में आपको सामान्य जानकारी दिया है, और क्लास में जब आपकी क्लास होगी टीआरडी की, और मॉडल रूम में भी हाथ लगा के सभी वायरों को आप हाथ लगा के देखेंगे, ये जो वायर दिख रहे हैं आपको अभी, ये तार दिख रहे हैं लेकिन तार नहीं है, रॉड है, रॉड। ठीक है, और ऊपर वाला जो कैटनरी तार है ना, वो तारों से बना हुआ, गोल गोल करके बना हुआ है, जैसे लाइट के होते हैं, हाँ मल्टीवायर्स का है। ठीक है ना, वो भी आपको वहाँ पे बताएंगे। ओके, ठीक है, हरिओम 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 हरिओम। उसी के समय एक मिनट।